भारत में आए दिन धोखाधड़ी के केस आते रहते हैं, लेकिन आरोपी पकड़े जाने से पहले विदेश भाग जाते हैं और सजा से बच जाते हैं। लेकिन दुबई ने धोखाधड़ी करने वाले दो भारतीयों को 1-2 साल नहीं बल्कि 500 साल की सजा सुनाई है। दुबई कोर्ट ने रविवार को 200 मिलियन डॉलर के घोटाले में दो भारतीयों को 500 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि लिमोस और रियान ने मिलकर पोंजी स्कीम के तहत हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। इस स्कीम के तहत लिमोस ने निवेशकों को लालच दिया था कि उसकी कंपनी में $25,000 का निवेश करने पर उन्हें 120% सालाना रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में लिमोस की कंपनी ने निवेशकों को खूब फायदा पहुंचाया, लेकिन 2016 में पोंजी स्कीम के पतन होने के बाद इस कंपनी ने निवेशकों को पैसा देना बंद कर दिया। लिमोस की पत्नी वलानी पर भी केस रजिस्टर किया गया है। उन पर गैर कानूनी तरीके से सील ऑफिस में घुसने और दस्तावेज के ले जाने का आरोप है। फिलहाल लिमोस और रियान की पूरी जिंदगी जेल में बीतने वाली है। वहीं भारत को दुबई से सीख लेने की जरूरत है कि धोखाधड़ी करने वालों के साथ क्या करना चाहिए।